समर स्लैम में ब्रोक लेसनर का बहुत बड़ा रिटर्न। पूरी खबर जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मनी इन द बैंक में जॉन सीना के रिटर्न के बाद समर स्लैम में होने वाले मेन इवेंट मैच को ब्रोक लेसनर करने वाले हैं खराब। नो मर्सी मैच में हारने के बाद इस बार जॉन सीना के पास बहुत अच्छा मौका है मैच जीतने का और यूनिवर्सल चैंपियन बनने का, पर बीच में आ गए हैं ब्रोक लेसनर। अभी जॉन सीना और रोमन रेंस के मैच के बीच में फिन बैलर को लाया जा रहा है, पर फिन बैलर समर स्लैम में नहीं आएंगे क्योंकि जॉन सीना उन्हें स्मैकडाउन में ही हराएंगे। पर समर स्लैम में जब ये मैच बिल्कुल निर्णायक मोड पे होगा और मैच का नतीजा आने वाला होगा जब ये एंट्री करेंगे ब्रोक लेसनर, और जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है उस समय जॉन सीना ही मैच को जीतने के करीब होंगे। पर ब्रोक लेसनर पहले जॉन सीना पे अटैक करेंगे और फिर रोमन रेंस पर देखना ये होगा उस समय पॉल हैमन का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि जिस ब्रोक लेसनर के दम पर वो अब तक उछलता था अब उसी ब्रोक लेसनर से उसका सामना होगा। पर WWE फैंस तो यही चाहेंगे कि ब्रोक लेसनर समर स्लैम में रिटर्न करे, पर जॉन सीना और रोमन रेंस के मैच को ख़त्म होने के बाद रिटर्न करे जब तक जॉन सीना बन गए हो 17 बार चैम्पियन। WWE की सभी न्यूज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, रोमन रेंस या फिर जॉन सीना।